आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, यह कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती, अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती, अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जगाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा, गिनता करके जी, करके जी, आपने भी एक घंटा बोला। यूर लीडर ऑफ द अपोजिशन, यूर लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज अंडरस्टैंड। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है, नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड विदाउट माई परमिशन। आदरणीय सभापति जी, विदाउट माई परमिशन नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एनी कमेंट। फेडरलिज्म को लेकर भी कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट सहित अनेक साथियों ने यहां बड़ी बड़ी बातें की। जरूरी भी है क्योंकि राज्यों के वरिष्ठ नेताओं का ये सदन है। लेकिन सभी साथियों को, आदरणीय सभापति जी,
nothing will go on record except what is permitted by the chair. Whatever is permitted by the chair will only go on record. No comment, no noise, no demonstration will go on record. Please, Bajai. Please, please, please. The Prime Minister is intervening. I have permitted it. It will only go on record. Ramdaji, आप चिंता मत करिए. इधर आप चिंता मत करिए. जो जाना है वो जाएगा. आप क्यों चिंता करते हैं? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी. यस, दैट इज योर कमेंट ना. लेट द पीपल डिसाइड. व्हाई वी व्हेन वी स्पीक वी डोंट बॉदर अबाउट ऑल दिस. धन्यवाद आदरणीय सभापति जी. लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता है, सुनना भी लोकतंत्र का हिस्सा है. लेकिन सालों तक उपदेश देने की आदत रखी है, इसलिए जरा बातें सुनने में मुश्किल हो रहा है.